दोस्तों आपको ये बात पता नहीं होगी, आपकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है वो किसी दूसरे पर्सन की वजह से होता है। ये आपको बड़ा अजीब लग रहा है लेकिन दोस्त आपको यह मानना होगा, अगर आपको बहुत ज्यादा खुशी होती है ना तो वो भी किसी पर्सन की वजह से, जब बहुत ज्यादा दुखी होते हैं आप तो वो भी किसी दूसरे व्यक्ति को याद करके होता है। और ये प्रॉब्लम आजकल बढ़ती जा रही है, बंदे को दुख आ रहा है पता नहीं लग रहा है हो क्या रहा है। दुख मत मानो लेकिन कुछ अजीब सा हो रहा है, उन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, वो जोर जोर से रोना चाहते हैं लेकिन रो नहीं पा रहे, वो अपना दुख किसी को बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे, वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। यार ये बहुत बुरा टाइम होता है कि इंसान की लाइफ में जब उसके साथ ऐसा होता है। ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखना, ये प्रॉब्लम आपकी भी हो सकती है या आने वाले दिनों में हो भी सकता है। अब देखो दोस्त, अगर आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं ना तो बीच बीच में आप कभी भी अपसेट हो जाते हैं, होता है यार, एक जैसा हमारा मूड नहीं रहता है, गुस्सा, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब होता रहता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ, ये ध्यान से सुन लेना। एक लड़का था ना, वो मिडिल क्लास फैमिली से था, वो कॉलेज में पढ़ता था और वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। उस लड़की को पता नहीं था कि ये मेरे से लव करता है लेकिन वो उसे बहुत ज्यादा चाहता था, उससे बात तो नहीं करता था लेकिन चाहता था और उसके बारे में दिन रात सोचता था। कुछ काम भी कर रहा है ना तो वही याद आ रही है, 24 घंटे उसी के ख्याल आ रहे हैं, मतलब वो सोच में सिर्फ खुशी ले रहा है। और उसकी लाइफ में होता क्या है, वो जिस लड़की को चाहता है ना वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में होती है, उसको कुछ समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है यार, मैं इसे कितना चाहता हूँ लेकिन ये किसके साथ मरी हुई है। वो बंदा फिर सोचता है चलो जाने दो, कोई नहीं कल दिन मैं इसको पटा दूंगा। फिर वो शांत हो गया, उस लड़की को याद करने लगा, खुशी लेने लगा कि यार एक दिन होगी ये मेरी, और फिर यही हुआ। वो बार बार देखता है, पता चलता है कि इसकी लाइफ में कोई और है, इसने कुछ गलत कर दिया इस लड़की ने, वो फिर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, नाराज हो जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है, डिप्रेशन में जाता है, कुछ काम नहीं कर पाता है। अगर वो कुछ काम करने की कोशिश करता है ना तो ध्यान नहीं रहता है, ना ही अपने माँ बाप से अच्छे से बात करता है, किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाता है। अब यहाँ पर आप एक बात समझे कि जब वो उस लड़की के बारे में सोचता था ना तब वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता था कि एक दिन ये मेरी होगी, लेकिन जब उसे पता चला कि ये मेरी नहीं होगी तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। अब उसे पता है कि ये मेरी कभी नहीं हो सकती है, वो बस भगवान से एक ही चीज मांग रहा है कि भगवान मुझे बस इतनी शक्ति देना कि मैं इस लड़की को भूल जाऊं, लेकिन वो नहीं भूल पा रहा है, फंस गया एक जगह और डिप्रेशन में जा रहा है। क्या हालत होगी उस बेचारे की। अब आप खुद ही सोचो, एक ऐसा बंदा जो एक लड़की के बारे में दिन रात सोच रहा है जिसको पता है कि ये मेरी ही होगी, कितनी भी कोशिश कर दे वो नहीं हो सकती है, वो ऑलरेडी कहीं फंस चुकी है भाई। अगर उसके बारे में सोचोगे ना उतने ज्यादा दुख आएंगे। अभी अगर आपको उसके बारे में सोचने से खुशी मिल रही है ना तो ये दुख आने के संकेत है। याद रखना, आपको कोई भी लड़की याद आती है या लड़की को कोई लड़का, वन साइड किसी के प्यार में फंसे है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। मतलब यार जो बंदा किसी पर्सन के बारे में दिन रात सोचता है ना वो कभी खुश रह ही नहीं सकता। अगर खुशी उसको मिलेगी तो वो कुछ अजीब सी खुशी होगी जो उसके बारे में सोचने से मिलेगी। देखो यार मुझे पता है आप में से भी बहुत सारे बंदे की ऐसी प्रॉब्लम होगी, किसी पर्सन के बारे में दिन रात सोचते हैं, बस यही सोचते हैं कि ये मेरी हो जाए यार, ये मेरा हो जाए, मेरी हो जाए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ऐसा कुछ नहीं होगा यार, तुम्हारी लाइफ में दुख ज्यादा आएंगे, डिप्रेशन में जा सकते हैं तुम। देखो यार आप अपने आप को समझ नहीं पाते हो कि अगर मुझे ये टाइम मिला है ना, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है ना, मतलब आप सोच में अपनी लाइफ को बुरी कर रहे हैं, एक लड़की के बारे में सोचने से कुछ गलत कर रहे हैं आप। मैंने ये बोला कि किसी भी इंसान की लाइफ में दुख आते हैं ना वो किसी पर्सन के बारे में सोचने से आते हैं। देखो यार मुझे पता है हमारा जो दिमाग है ना ये शांत हो ही नहीं सकता, मेडिटेशन करोगे तब शांत हो सकता है बट ध्यान फिर भी होगा। अगर आपको किसी इंसान की लत लग गई है तो यार आप बाहर निकलो ना उसे, कुछ अलग काम करो यार, एक्सरसाइज करो। अब ये मत सोचना कि मैं जब एक्सरसाइज करता हूँ तो वो याद आ जाती है, देखो यार कुछ नहीं रखा है, तुम एक बेस्ट बंदे हो यार, तू अकेला ही सब कुछ है, सच कह रहा हूँ यार, तेरी लाइफ में कुछ है, तुझे कुछ करने को है यार। अब ये मत सोचना कि मेरा जो दिमाग और दिल है ना ये नहीं समझेगे यार, ये बार बार वही याद आ जाता है, हर जगह वही दिख जाता है। आपको पता है ना वो कभी भी मेरी नहीं हो सकती है या नहीं हो सकता, आप जिस इंसान के जितने करीब जाओगे ना वो आपसे उतना ही दूर जाता है, और ये आपके साथ हो रहा है तभी आप बोल रहे हैं। और जिस इंसान से हम दूर जाते हैं ना वो हमारे करीब आता है। बस आप कुछ मत करो, आप एक जगह बिल्कुल स्टॉप हो जाओ, भूल जाओ सब कुछ कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। अभी ये सोचो मत यार
तुम ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं, लेकिन ये क्या सोच रहे हो तुम? आपका जो होगा ना वो मिलके ही रहेगा, उस पर मेहनत मत करो। आप बस अपने गोल पर फोकस करो, उस काम को करो ना, जिस काम को आप पूरा कर गए उसके बाद आपको सब कुछ मिलेगा। उस काम पर ध्यान दो, किसी घटिया पर्सन पर ध्यान मत दो जिससे आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है, आप कभी खुश ही नहीं रह पा रहे। मैं बहुत बार क्या बोलता हूँ, अब भी देखो, बिल्कुल प्रेजेंट में देखो, अपने आसपास देखो, क्या दिख रहा है तुम्हें? कहीं जा रहे हैं, कहीं चल रहे हैं? देखो यार, उस रास्ते को ध्यान से देखो, पेड़ पौधों को ध्यान से देखो, अपने कमरे को ध्यान से देखो, अपनी जो सोच है ना बिल्कुल प्रेजेंट में लाओ, अपनी शक्ल आईने में देखो, कुछ भी करो, एक्सरसाइज करो, लेकिन फीलिंग प्रेजेंट में रखो। जो काम तुम करना चाहते हैं ना उसे आज से करो, मतलब प्रेजेंट में फीलिंग रखो, फ्यूचर अच्छा होगा। उस पर्सन के बारे में मत सोचो, डिप्रेशन में जाओगे तुम। यार तू अकेला ही सब कुछ है, तेरे अंदर एक अलग ही दुनिया है, कहाँ मर रहा है तू?